आज के दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर से ये लिया गया है कि मैनेजमेंट से अगर आपकी प्रवेश प्रक्रिया हो रही है तो कोई फीस वापसी नहीं होगी। एक पहले निर्णय आता था कि एससी और एसटी कैटेगरी से जो भी छात्र बिलोंग करते हैं जीरो फीस पर उनका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अब ऐसे सारे नियम खारिज हो चुके हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है, यदि कोई कर रहा है तो धोखाधड़ी कर रहा है। दैनिक जागरण का ये आर्टिकल आपको पढ़कर सुनाते हैं, इसी से संबंधित है आज के न्यूज़पेपर में। यदि आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा व डॉक्टरी की परीक्षा दे चुके हैं और आपका नाम मेरिट सूची में नहीं आया है और निजी संस्थान आपको फ़ोन करके दाखिले का प्रलोभन दे रहे हैं, वे प्रवेश परीक्षा से इतर मैनेजमेंट कोटे के नाम पर एडमिशन और समाज कल्याण विभाग से फीस वापसी के भी दावे कर रहे हैं, तो अगर ऐसा फ़ोन आपको भी आया तो सावधान हो जाइए। समाज कल्याण विभाग ने ऐसे विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति न देने का निर्णय लिया है। समाज कल्याण डीएस या एसडब्ल्यू विभाग की संशोधित गाइडलाइन के मुताबिक प्रवेश परीक्षा की मेरिट के अलावा सीधे प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को मैनेजमेंट कोटे का माना जाएगा, उन्हें शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिलेगी। कोरोना संक्रमण के चलते वर्ष 2020-21 में सामान्य वर्ग की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति का बजट 325 करोड़ कम करके 500 करोड़ कर दिया गया है। यह आप कन्फ्यूज मत होइएगा, पहले 825 करोड़ रुपए का बजट रहता था, अब उसको 325 करोड़ उसमें कमी कर दी गई है। उस बजट में शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ मेधावियों को मिल सके इसके लिए यह निर्णय लिया गया है। यह निर्णय इसके लिए तो हो ही नहीं सकता, यह निर्णय तो इसके लिए होगा क्योंकि उनके पास बजट कम होगा। ठीक है, खैर आगे पढ़ते हैं। इसके अलावा भी नियमावली में कई बदलाव किए गए हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों का जीरो फीस पर प्रवेश नहीं होगा। शैक्षणिक संस्थाएं प्रवेश लेंगी तो समाज कल्याण विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बीते वर्षों में अनुसूचित जाति और जनजाति के सभी विद्यार्थियों की फीस के एवज में शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया गया था। जीरो फीस पर प्रवेश के बाद विभाग की फीस आने पर संस्थान फीस को समायोजित कर लेते थे। वहीं स्नातक स्तर के कोर्स में प्रवेश लेने वाले सामान्य वर्ग के प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों को ही शुल्क प्रतिपूर्ति मिलेगी। हाँ, अगर आप मेरिट लिस्ट फर्स्ट पोजीशन में, मतलब 60% से ऊपर आपके मार्क्स हैं पिछली क्लास में, तब मिलेगी आपको। परास्नातक स्तर के कोर्स के लिए स्नातक में 55% अंक अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में पहले से ही 50% अंक की अनिवार्यता है। हर साल 60 लाख विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान किया जाता है। लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने का एक और मौका मिला, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। जीरो फीस की व्यवस्था कम कर दी गई है, खत्म कर दी गई है। संस्थान मैनेजमेंट कोटे में प्रवेश लेते हैं तो विभाग शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए बाध्य नहीं होगा। सामान्य वर्ग में इंटर में 60% और स्नातक में 55% वालों को ही शुल्क प्रतिपूर्ति मिलेगी। तो जान लीजिए, कोई कॉलेज आपसे चीटिंग कर रहा है तो इसे सावधान रहिए, क्योंकि पहले ही मैं तमाम लोगों को ऐसे सुन चुका हूँ चीटिंग करते हुए। जो लोग ऐसा करते हैं, तमाम सारे एक तरह का रैकेट चलाते हैं, एडमिशन रैकेट चलाते हैं। बना रही है द यूनिवर्सिटी कनेक्शन, हम आप तक हर पढ़ाई लिखाई जुड़ी जरूरी खबर लाते रहते हैं। धन्यवाद।